हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनेमिक्स। तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में सारी डिटेल दे दी थी, अब बात करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स की। ठीक है कि रोटेशनल डायनेमिक्स क्या होता है, मीन्स किसी बॉडी को रोटेट करना। तो पहले रोटेट की बात करनी कि रोटेट एक्चुअल में किस वजह से होता है, एक्चुअल में जो रोटेशनल रोटेट हो रही कोई बॉडी वो किस वजह से हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए डस्टर को। ठीक है, अब इस डस्टर को क्या करते हैं, मुझे रोटेट करना, तो हम रोटेट कैसे करेंगे? अगर मैं सिंपली एक तरफ फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा, सीधे लीनियर मोशन करेगा। ठीक है, तो इसको रोटेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कराने के लिए काम कर सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर मैं क्या कर लूं, अपना ये हाथ रख लूं और इसके किसी भी पॉइंट पर मैं क्या करूं, फोर्स लगाऊं, तो देखिए डस्टर क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा। मैं जब मैंने किसी पॉइंट को फिक्स कर दिया और उसके बाद मैं बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहा हूं तो वो कैसा मोशन दे रही है, रोटेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोटेशन होगा वो किसी फिक्स एक्सिस या फिक्स पॉइंट होगा। अगर मैं उस पॉइंट को फिक्स कर लूं और उसके अराउंड जितने भी पॉइंट है उस बॉडी पे, उसको मैं कहीं पर फोर्स लगाऊंगा तो मुझे क्या देगा, रोटेशनल मोशन। बट एक पॉइंट ऐसा है कि बेटा जहां पर आपको रोटेशनल मोशन नहीं मिलेगा, वो क्या, जिस एक्सिस पे, जिस एक्सिस को मैंने कॉमन रखा, अगर मैं उसकी तरफ फोर्स लगाऊंगा उस पर, तो क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा। बट जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा तो मुझे थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बट मैं थोड़ा सा यहां करूंगा तो हल्की फोर्स लगानी पड़ेगी, और सबसे कॉर्नर करूंगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी रोटेट कराने के लिए। सेम चीज आपके दरवाजे के साथ होती है। ठीक है कि जैसे आपके दरवाजे का कॉर्नर है, ठीक है, और ये आपका दरवाजा है, ठीक है, ये आपका दरवाजा है, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो दरवाजे को अगर जो हम लोग यहां पर जो हमारा हैंडल होता है उसको यहां क्यों लगाया जाता है, यहां क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों, क्योंकि जितना ये दूर रहेगा एक्सिस से उतना इजिली वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट आया ये एक्चुअल किस कारण आया, ये जो रोटेशनल इफेक्ट आया वो किस कारण आया। ठीक, पहले तो इसके बारे में बात कर लें। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे किसी बॉडी के किसी कॉर्नर पे फिक्स पॉइंट करना हो तो मुझे क्या चाहिए, सिंपल एक फोर्स चाहिए। ठीक है, तो बेटा फोर्स के साथ साथ ये जो फोर्स रोटेशनल डायनेमिक्स अगर कर रही है तो इसका सेंस क्या बनता है, ये हम लोगों को पहले सीखना है। तो देखिए सेंस समझने के लिए आप ऐसे करिए कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि ऐसे रखा हुआ था। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ये मैं अपना कॉमन एक्सिस मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस पर अगर मैं बॉडी को फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा, वो रोटेट करेगा इस कॉमन एक्सिस पे। यहां ज्यादा आपको क्लियर अच्छा आएगा। ठीक है, क्या करेगा, रोटेट करेगा कॉमन एक्सिस पे। क्लियर, अब बेटा मैं जितना यहां से दूर जाऊंगा उतना मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा रोटेशन के लिए, और जितना मैं इसके पास आऊंगा उतना ही मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो ऐसा है फोर्स जो हमने अप्लाई किया और ये जो एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसमें, कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये रोटेशनल इफेक्ट आता है। ठीक, दूसरी चीज कि सर अगर हम क्या करें, इधर इस तरफ फोर्स लगाए तो क्या करेगा, इधर की साइड भी रोटेशन होगा। ठीक है, इधर की साइड भी रोटेशन होगा। अब सर एक काम करते हैं, क्या हम अगर दोनों साइड एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, क्या दोनों साइड एक ही डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स क्या कर रहा है, इधर रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, और ये वाली फोर्स क्या दे रहा है, इधर रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करूं, फोर्स लगाता हूं, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इधर रोटेशनल इफेक्ट देने की कोशिश करेगा इस साइड, और ये वाला किधर देने की कोशिश करेगा, इस साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रोटेशनल इफेक्ट है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से अगर एक ही किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर दो पॉइंट्स पे मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं, सेम फोर्स लगा रहा हूं, बट उसके कारण जो रोटेशनल इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस समय मुझे कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा, नो रोटेशनल मोशन। ठीक है, पहले तो आपको यही समझ लेना चाहिए। ठीक है, नो रोटेशनल मोशन वेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन सेम बॉडी ऑन डिफरेंट पॉइंट्स
on different points whose distance from the axis of rotation is same, but the magnitude but is same and the magnitude of both and the magnitude of force is also same but having opposite but having opposite rotational motion due to which such body cannot show rotation means कहने का sense ये है कि किसी axis के दो points लीजिए जो कि इस axis से दो distance क्या हो same हो और उन पे फोर्स ऐसा लगाइए कि इस फोर्स की रोटेशन क्या हो गई इस डायरेक्शन में और इस फोर्स की रोटेशन क्या हो गई इस डायरेक्शन में जो रोटेशनल इफेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे अगर मैं दो फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वजह से डस्टर रोटेट नहीं करेगा बल्कि लीनियर मोशन करने लगेगा इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं किसी बॉडी के एक्सिस पे तो वो रोटेट करे उसकी कंडीशन है वो किस वजह से रोटेट करता है ये फोर्स की वजह से रोटेट नहीं करती बॉडी एक्सिस के अलोंग ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स की वजह से रोटेट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं टॉर्क क्या बोलते हैं जिसको टॉर्क बोलते हैं ठीक है तो ये जो इफेक्ट आ रहा है तो देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में जैसे मैंने फोर्स को लगाया तो फोर्स इस डायरेक्शन में और इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है टॉर्क मीन्स कहने का सेंस ये है अगर मैं यहां फोर्स लगाऊं तो इसका रोटेशनल इफेक्ट किधर है तो आप देखिए रोटेशनल इफेक्ट किधर है ठीक तो अगर मैं अपने राइट हैंड रूल को यूज करूं और जो जिधर के साइड रोटेशनल इफेक्ट उधर के साइड में अपने हाथ को कर्ल करूं तो मुझे थंब क्या देगा उसकी टॉर्क देगा मीन्स जो रोटेशन का जो कारण है जो रोटेशन का कारण है वो क्या है टॉर्क है क्या है टॉर्क है ठीक है तो रोटेशन का कारण क्या बेटा टॉर्क है और एक और चीज पहले मैं केस बता दे रहा कहां कहां टॉर्क नहीं लगती और इफ द फोर्स इज अप्लाइड इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन ऑल्सो then also rotational motion is not rotational motion is not there अगर जिस एक्सिस की अगर बात हम कंसीडर कर रहे हैं अगर मैं उसी पर फोर्स लगाऊंगा तो वो रोटेशनल मोशन नहीं देगा बट कैसा मोशन देगा लीनियर मोशन देगा क्लियर ठीक है सर मान लिया अब क्या करते हैं अब बेटा देखिए ये जो मैं बात कर रहा था आप समझिए कि ये फोर्स की वजह से रोटेशनल इफेक्ट किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में और इस फोर्स की वजह से ये जो फोर्स है यहां पे जो लग रहा था इसकी वजह से रोटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के एक्सिस से डिस्टेंस सेम है और दोनों के एक्सिस से डिस्टेंस सेम है उसके बाद भी रोटेशनल इफेक्ट क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ उसका टॉर्क कैंसिल हो गया इस वजह से इसने रोटेशन नहीं दिया मीन्स अगर इधर के साइड रोटेशन की बात की जाए तो टॉर्क किस डायरेक्शन में गया अगर मैं कर्ल करूंगा तो थंब इस
साइड है, और इस रोटेशन की बात करूंगा तो क्या होगा मेरा थंब इनटू द बोर्ड है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउट ऑफ द बोर्ड और क्लॉकवाइज के लिए इनटू द बोर्ड, तो दोनों फोर्सेस नेट क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो फोर्स बोला था वो क्या था, दोनों पे सेम एक्ट किया, ठीक है, दोनों पे फोर्स सेम एक्ट किया, ठीक, और दोनों की डिस्टेंस भी सेम थी, पर डायरेक्शन टॉर्क की अपोजिट होने की वजह से उस पर जो नेट टॉर्क लगा वो क्या हुआ, जीरो, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करना बंद कर दी, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि जो टॉर्क होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स है और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रोटेशन ऑफ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में कुछ रिलेशन दिखा रहा है। कैसे? कि अगर मैं एक्सिस पे ही लगा रहा हूं फोर्स तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही, यहां पर भी रोटेशन नहीं है, ठीक, पर जैसे मैं इस एक्सिस के दूसरे साइड पॉइंट पे जाता हूं तो ये रोटेशन देना शुरू हो गया, ये देखिए, ठीक, और ये जो एक्सिस है जिस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, जिस एक्सिस को मैंने फिक्स कर दिया वही कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, या मेरी फिंगर एज एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इस डस्टर के पार हो जाती, क्लियर। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक और चीज बताता हूं इसमें जो जानने की है, वो क्या, चीज समझने की बेटा, इसमें लिखने का ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट को फिक्स करता हूं, एक फोर्स यहां से ला रहा हूं और दूसरी फोर्स यहां से ला रहा हूं, ठीक है, तो दोनों फोर्स को अगर मैं इसी पॉइंट पे करूंगा, जैसे ये है, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, यहां टिका देते हैं, ठीक है, अब ये चौक तो गिर जाएगा, तो आप मान लीजिए ये एक्सिस है मेरी, अगर मैं इन दोनों पे सेम फोर्स अगर मैं लगाऊं, यहां पर अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाऊं, दोनों ऊपर और नीचे क्या करूं, सेम फोर्स लगाऊं, तो ये क्या करेगा, रोटेशन नहीं करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, बट जैसे जैसे मैं इनसे दूर होता जाऊंगा, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, बट फोर्सेस क्या लग रही है, सेम लग रही है, तो ये क्या देंगी, रोटेशनल मोशन देंगी। मीन्स अगर मेरा ये डस्टर कुछ ऐसा था और ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, अगर मैं दो ऑपोजिट फोर्सेस यहां लगाऊं तो इसके बीच में जो मोशन है ना लीनियर है ना ही रोटेशनल मोशन है, क्या है, कोई मोशन नहीं है, जब ये भी एफ हो और ये भी क्या हो, एफ हो, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, और जैसे जैसे मैं इसको दूर बढ़ाऊंगा, आप फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे मैं फोर्सेस को दूर करने लग गया तो अब क्या हुआ, ये घूमना शुरू होगा, ये इधर घूमने लगा और ये इधर घूमने लगा, क्यों, क्योंकि ये कैसे, इस फोर्स की वजह से इसका रोटेशन इधर है, तो बेटा इसका रोटेशन इधर है, इसका टॉर्क किधर है, अंदर की साइड, ठीक, और बेटा इस फोर्स की वजह से इसका रोटेशन किधर है, तो इसका भी रोटेशन अंदर की साइड, ये इस समय जो नेट टॉर्क है वो जीरो नहीं है, जिसकी वजह से आप बॉडी क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फोर्स लगाए जा रहे हैं तो रोटेशनल मोशन आ गया ना बेटा। तो मींस कहने का सेंस ये है कि अगर कोई दो ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की, क्या, टू ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड Having equal magnitude acts on same line, two opposite forces having equal magnitude acts on same line, जिसे हम क्या कहते हैं, collinear vectors, ठीक है, collinear vectors, सेम लाइन पे एक्ट करने वालों को कोलीनियर वेक्टर बोलते हैं, अगर फोर्सेस कोलीनियर होंगी तो उस समय रोटेशनल मोशन नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, टू अपोजिट फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन सेम लाइन विद कोलीनियर वेक्टर, देन देयर इज नो मोशन परफॉर्म बाय गिवन बॉडी,
मीन्स ऐसे सिचुएशन में परफॉर्म नहीं करेगा। जरूरी नहीं है एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, आप यहाँ पे भी दोनों पोज देख लीजिए, दोनों पोज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, ना रोटेशनली आप आया और ना ही आपका क्या पाया, ना रोटेशनल आप आया ना ही लीनियर मोशन आप आया, ठीक है। तो ये इतनी सारी केसेस हैं जहां पे रोटेशन नहीं होता, तब रोटेशन कैसे होगा, जब हम नॉन कोलिनियर फोर्सेस की बात करेंगे, इक्वल और ऑपोजिट हो बट क्या हो, नॉन कोलिनियर मीन्स जिस लाइन पे ये एक्ट कर रहा उसी लाइन पे ये फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि टू ऑपोजिट फोर्सेस, टू ऑपोजिट फोर्सेस, टू ऑपोजिट इक्वल फोर्सेस, मैं इक्वल की बात कर लू, टू ऑपोजिट इक्वल फोर्सेस, अच्छा ऑपोजिट वाले डायरेक्शन सही है, टू ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन डिफरेंट लाइन्स, बेटा अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे या डिफरेंट लाइन्स पे एक्ट कर रही है तो ऐसा को क्या बोला जाता है, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, ऐसा को क्या बोला जाता है, नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक। देन देयर इज नो मोशन, देन देयर इज, देन देयर इज रोटेशनल मोशन, देन देयर इज रोटेशनल मोशन परफॉर्म बाय गिवन बॉडी, अपोजिट हो इक्वल हो बट नॉन कोलिनियर हो फोर्सेस तो उस बॉडी पे रोटेशनल इफेक्ट देगा। अब कह सकते हो सर अगर अनइक्वल फोर्सेस होंगे तो क्या होगा, तो बेटा अगर अनइक्वल फोर्सेस हुए तो आपने कभी पेन में देखा होगा कि अगर मैं इस पे एक फोर्स लगा के ऐसे फेंकूं तो क्या होगा, अपने एक्सिस के अलावा तो घूम ही रहा है बट साथ साथ उसके पास क्या जाएगा, लीनियर मोशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो बेटा, अगर सिंपली हमें रोटेशनल मोशन चाहिए, सिंपल हमें क्या चाहिए, सिर्फ रोटेशनल मोशन चाहिए, तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो फॉर रोटेशनल मोशन ओनली, फॉर रोटेशनल मोशन ओनली। अगर बेटा बॉडी को रोटेट कराना हो, हमें रोटेट कराना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ रोटेशनल मोशन के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऐसी फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जिसके कारण सिर्फ क्या हो, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। जैसे यहां पर ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इनका नेट फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। बट जब फोर्स नेट फोर्स कैंसिल आउट हो गए उसके बाद ही बॉडी रोटेट कर रही है, इसका मतलब जो बॉडी रोटेशन की जो बात आती है वो किसी अलग कारण से बॉडी रोटेट होती है, फोर्स के कारण बॉडी रोटेट नहीं होती, और उस क्वांटिटी का जो नाम है उसे क्या बोला जाता है, टॉर्क, ठीक। हमने ये भी जान लिया कि ये टॉर्क होता है या तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, ठीक है। हमने ये भी देख लिया जाता है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और जिस प्लेन में देखिए फोर्स मैंने यही लगाया, डिस्टेंस भी यही है और फोर्स भी इसी प्लेन पे है, मीन्स इस बोर्ड के प्लेन पे क्या हमारी डिस्टेंस और फोर्स, बट जो टॉर्क है वो क्या हमेशा इसके इस प्लेन के क्या हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये भी लिख सकते हैं जो हमने फील किया कि जो क्वांटिटी टॉर्क है
जिसकी वजह से अगर फोर्स ना भी हो नेट फोर्स, अगर उसमें नेट फोर्स जीरो भी एक्ट कर रहा है तो भी बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसका कारण है ये टॉर्क। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द, ऊपर लिख दे रहा हूं ठीक है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच परपेंडिकुलर पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स एग्जिस्ट। जहां पे फोर्स और परपेंडिकुलर पोजिशन वेक्टर जो होगा एग्जिस्ट करेगा, उस प्लेन का हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना होती तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इन पर मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं मगर ये रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन क्यों ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है ठीक है, इस वजह से नहीं कर रहे, अदरवाइज हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, अदरवाइज इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल का टास्क है ठीक है। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर किया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो हमें प्रूफ भी हो गया कि टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसके कारण क्या हुआ, तो ये जो टोटल इफेक्ट था टॉर्क का वो खत्म हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, टॉर्क तो नहीं लगा बट उसने सिर्फ लीनियर मोशन रहा, रोटेट करना बंद कर दिया। क्लियर कहोगे जी ठीक है सर, बट सर अगर फोर्स इक्वल ना हो, तो मैंने अभी बताया अगर फोर्स इक्वल नहीं हुई बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और नॉन कोलिनियर है ठीक, पहले मैं इसको हटा देता हूं फिर मैं सब चीजें लिखवाते हुए चलता हूं ठीक है। अगर बेटा यहां पे जो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ठीक, फोर्सेस अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, फोर्सेस एक्स अपोजिट अपोजिटली लिख देना ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ठीक है, नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब ये F1 बोल दे रहा है, इसको F2 बोल दे रहा, और ये बोल दे रहा कि जो F2 है वो बड़ा है F1 से ठीक। तो अगर बेटा ऐसा कहीं केस आता है तो यहां पे जो मोशन का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जो मोशन का इफेक्ट क्या होगा कि यहां पे रोटेशन भी होगा और यहां पे क्या होगा लीनियर, यहां पे ट्रांसलेशन भी होगा, मीन्स सीधे भी बॉडी जाएगी, मीन्स आप ये देख सकते हैं कि वो जो आप फेंकते हैं ना सर्कल उत्साह जो होता है क्या बोला जाता है उसको, अरे डिब्बे का ढक्कन सा आप जो बोलते हैं ठीक है, उसको जब आप फेंकते हैं तो उसके में क्या होता है कि हम अनइक्वल फोर्सेस तो नॉन कोलिनियर फोर्सेस क्या करते हैं एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो घूमता भी है और आगे ट्रांसलेशन मोशन भी करता है। अगर ना विश्वास हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर मैं यहां ऐसे करता हूं, अगर अच्छा अगर मैं यहां ऐसे करता हूं इसको घुमाता हूं तो क्या केवल ये यहां घूमता रहेगा, क्योंकि अंगूठा और ये जो हमारे फिंगर है जिससे मैं घुमा रहा हूं ये दोनों सेम फोर्स नहीं लगा रही है, कुछ अलग फोर्स लगा रही है, जिसके जिससे होगा ये घूमता भी रहेगा और साथ साथ क्या होगा इधर मूव भी करता रहेगा, तो इसीलिए रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों फोर्सेज होती है ठीक। तो ये क्या करेगा, ज्यादा तेजी के कारण क्या होगा ये बॉडी रोटेट करेगी और ये कम के कारण क्या होगा धीरे रोटेट करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ जो बॉडी होगी वो आगे भी बढ़ती जाएगी और रोटेट भी करती जाएगी, तो कुछ इसका स्टेट क्या होगा ऐसे करने पे ऐसे चेंज करता जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा और रोटेट भी करता जाएगा अपने एक्सिस पे। क्लियर, चलिए ये तो आ गया आपको रोटेशनल फील कराना ठीक। अब बात करते हैं इसके थोड़े मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। क्लियर, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्लियर समझिए, ये पॉइंट है ठीक, और जो हमारा टॉर्क है वो ऊपर की साइड है, मीन्स आउट ऑफ द बोर्ड है ठीक। अब इस आउट ऑफ द बोर्ड को बेटा मैं ये दिखा रहा हूं ठीक, आउट ऑफ द बोर्ड का मतलब ऐसे गोलक क्यों कर दिया,
कि लेट सपोज करिए अगर तीर बाहर की तरफ आ रहा था तो उसका टिप आपको ऐसा पॉइंट जैसा दिखता, तो मीन्स टॉर्क क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ अगर ना समझ में, टॉर्क आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ बोर्ड, ठीक। अब क्या हुआ कि टॉर्क कहाँ लगा और फोर्स क्या लगा रहा हूं मैं, कुछ यहां लगा रहा हूं, ये कुछ किसी एंगल पे बोल दे रहा हूं फोर्स, या तो इसको ऐसे ना करके आप ऐसे समझिए, ये आपका टॉर्क है, ठीक, और ये पॉइंट है जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स मैंने लगाई, या इस फोर्स को थोड़ा सा ऐसा कंसीडर कर लो कि हाँ ये आपको ज्यादा सही रहेगा, ये एक फोर्स लगी यहां पर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इससे क्या लेना है, परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है, तो ये जो मेरी डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, क्लियर। अब बेटा एक बात बताइए, क्योंकि ये जो है प्लेन फोर्स ऐसे कुछ सर्कुलर रोटेशन कर रहा है, ठीक है, तो हर पॉइंट पे फोर्स इधर 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 लग रहा है, और टॉर्क क्या हमारी ऊपर की साइड है, तो कुछ इसी तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसको क्या करता हूं मैं, इस फोर्स को ना मैं पैरेलल लाके इधर रख देता हूं, ठीक है, दोनों फोर्स पैरेलल है, तो मैंने क्या रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, क्लियर, यहां किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं ये बात कहूं कि ये फोर्स और आर के बीच में एंगल क्या बनता है, थीटा, इसको मैं अलग डायग्राम बनाऊं, तो ये ऐसा है और ये मेरा क्या है, आर वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में बनता है एंगल थीटा, ठीक। तो अगर मैं आर क्रॉस एफ लिखता हूं, अगर मैं आर क्रॉस एफ लिखता हूं, तो मुझे वही डायरेक्शन मिल रही है जो टॉर्क की डायरेक्शन है, और मैंने ये भी बोल रखा है आप लोगों को कि जो टॉर्क होता है वो परफेक्ट डिस्टेंस और फोर्स दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकली जो टॉर्क होता है उसको कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, आर क्रॉस एफ, क्लियर। अगर मैं इसके सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर एफ साइन थीटा, जो एन कैप है वो तो डायरेक्शन के लिए, तो मैग्नीट्यूड सिंपली क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, इस फोर्स को अगर मैं पीछे की साइड थोड़ा सा इसको ऐसे करूं, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, कुछ ही होगी, क्या होगी, कुछ ही होगी, ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक। अब ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये दोनों फोर्सेस क्या है, ये एफ है, ये भी क्या होगी, दोनों पैरेलल होंगे, और मैंने बताया था वेक्टर्स में कि हम फ्री वेक्टर्स की बात करते हैं तो पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं। बेटा अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हम ये हमने ये भी बोला था कि जो टाउ होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर भी होता है, और ये डिस्टेंस मैं डी बोल रहा हूं जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ओरिजिन नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो बेटा ये क्या, ये और ये सेम है, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं कि अगर मैं इसको एफ लिख दूं और इसको मैं क्या लिख दूं, आर साइन थीटा, तो बेटा एफ तो सेम है, अगर मैं आर साइन थीटा को अगर मैंने डी प्रूव कर दिया तो मेरा काम बन गया, ठीक। तो देखिए ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है वो है आर, ठीक है, क्या है, आर वेक्टर। तो बेटा अगर मैं इसको ओ ए बी नाम दे दूं, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो डी वेक्टर है साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, ओ बी, जो कि क्या है मेरा आर, तो यहां से डी क्या हो गया मेरा, आर साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आर साइन थीटा मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, डी से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, ठीक। और ये टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है,
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी में भी कैसा क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी भी दो कई तरीके की होती है। ये जो क्वांटिटी होती है एक्सियल वेक्टर होता है, इसको क्या बोला जाता है एक्सियल वेक्टर, जिसके पास एक्सिस हो, जो एक्सिस के अलावा रोटेट करता हो, तो टॉर्क क्या है एक्सियल वेक्टर है, क्लियर। तो ये था आपका टॉर्क जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करती है, क्लियर। क्यों करती है, कैसे करती है, क्या कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दिया। और आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर भी बताया हुआ है। अब जो अगली बात करते हैं वो बेटा क्या है कि जब हमने टॉर्क की बात कर ली तो अब फोर्स, जो हम लोग लीनियर मोशन में फोर्स की बात कर रहे थे, यहां पे वही चीज हमने किसके बेसिस पे बात की, टॉर्क के बेसिस पे बात की। अगर बॉडी में रोटेशन चाहिए तो हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, जैसे लीनियर मोशन अगर मुझे चाहिए तो फोर्स लगाना पड़ता है, सिमिलर फैशन में अगर मुझे रोटेशन मोशन चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। तो बेटा जब फोर्स जो है लीनियर मोशन करता है तो कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया तो वो क्या करेगा, वर्क डन बनाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क की वजह से भी तो वर्क डन होना चाहिए। तो अब हमें वही चीज सीखनी है कि टॉर्क की वजह से वर्क डन क्या होता है, ठीक है। देखिए टॉर्क की वजह से वर्क डन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर जनरली देखना चाहें, अगर आप कंपैरिजन कराना चाहें, तो देखिए फोर्स का मतलब, वर्क डन का मतलब क्या होता था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक। बट जब हम रोटेशनल बॉडी की बात करते हैं, बट जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो बेटा क्या हम देखते हैं कि इस पॉइंट से किसी इस पॉइंट पे अगर मैं बॉडी को लेके गया तो क्या चेंज क्या होता है, सिर्फ ये एंगल चेंज होता है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, डी थीटा बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा। इनिशियली थीटा था, बाद में डी थीटा चेंज कर गया। तो बेटा जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं छोटा सा अगर मैं वर्क डन लेता तो क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी एस वेक्टर, ठीक। ये तो था लीनियर मोशन के लिए। अगर आप कंपैरिजन कराना चाहो, अगर आप कंपैरिजन कराना चाहो कि वहां जो फोर्स था वहां या यहां वो क्या काम कर रहा है, टॉर्क का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, टॉर्क का काम कर रहा है। और जो डिस्प्लेसमेंट था, अब डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या चेंज हो रहा है, एंगुलर एंगल चेंज हो रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। आपने सर्कुलर मोशन में मैंने बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि कितना जो एंगल सबटेंड करता है किसी सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए। बेटा जब रोटेशन होता है तो एक तरीके से क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ ही तो बनाता है। तो यहां पर भी हम एंगुलर की ही तो बात करेंगे। जब रोटेशन होता है किसी बॉडी का तो हर पार्टिकल क्या करता है, ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। यहां पे जो पार्टिकल रहेगा वो भी क्या करेगा, अपने एक्सिस के लॉन्ग सर्कुलर मोशन करेगा। यहां जो पार्टिकल रहेगा वो भी क्या करेगा, अपने एक्सिस के लॉन्ग सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर सी बात है, छोटी सी, ठीक है। चलिए तो हम इसीलिए एंगल की बात करें, ठीक है बेटा। तो छोटा सा अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो मेरा जो चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, डी थीटा। तो यहां पे जैसे हम लीनियर मोशन के लिए वर्क डन को ऐसे लिखते हैं, और यहां पे हम क्या ऐसे लिखेंगे इसको, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। ये हम कंपैरिजन बेसिस पे भी लिख सकते हैं, वहां लीनियर मोशन होता था, यहां लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वहां फोर्स लगती थी, यहां टॉर्क लगती है, बस सिंपल सी बात है, ठीक। तो अब मुझे ये प्रूव करना है, ठीक। तो बेटा इसमें रिजनस मैथमेटिक्स यूज होती है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग के जो साइड बुक में दिया रहता है उसमें थोड़ा सा गलत चीजें हैं, ठीक है। तो उसको छोड़कर मैं आपको पोलर फॉर्म में बताने की कोशिश कर सकता था, मगर आपके सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा अलग देखते हैं। बेटा देखिए ये पॉइंट जो है, यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, ठीक है। अब ये एफ फोर्स लग रहा है तो यहां जो बॉडी है तो वो क्या करेगी, मूव करेगी कुछ सर्कुलर पाथ में। और ये जो सर्कुलर पाथ लिया, ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिया,
जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा डी एस वेक्टर, क्या है डी एस वेक्टर है ठीक। और ये जो सर्कुलर मोशन कर रही है ये रेडियस क्या है आर है पोजीशन वेक्टर ठीक। चलिए ये तो हो गई बात। तो अगर मैं इसको आगे अगर शिफ्ट कर दूं आर को तो क्या होगा एफ और आर कुछ एंगल बनाएंगे, पर अभी मैं उस एंगल की बात नहीं करूंगा ठीक है बेटा। अभी इसकी बात छोड़ो यहां की बात करो बेटा। अगर मैं ये छोटा सा फोर्स ले रहा हूं तो ये छोटा फोर्स लेने का कारण क्या, पहले मैं ये बता दे रहा हूं आपको ठीक। अगर बेटा ये मानिए कि सर्कुलर मोशन था ठीक है, उसका कोई एक पार्टी तो लिया मैंने, यहां से कोई फोर्स थी जो कि इस डायरेक्शन में लग रही थी ठीक है। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन सेम रखता हूं, फोर्स की डायरेक्शन सेम रख रहा हूं, फोर्स की डायरेक्शन सेम रख रहा हूं, तो क्या ये एंगल चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। यहां पे अगर मैं ये रखता तो ये एंगल ये होता, तो सारे एंगल क्या हो रहे हैं चेंज होते जा रहे हैं। तो हम डीएस कुछ ऐसा इतना छोटा रखते हैं कि ये जो एंगल हो वो चेंज ना हो ठीक है, अदरवाइज एंगल चेंज होता रहेगा क्योंकि ये क्या है एंगल चेंज होता रहेगा। तो इसलिए हमने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इतना छोटा एलिमेंट माना है कि उसका एंगल दो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में चेंज ना हो, और अगर चेंज हो तो वो इतना छोटा हो तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आइडिया मिल गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा ठीक। अच्छा बेटा ये एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये एक्स कॉट एक्सिस हो जाएगी इसकी, और ये इसकी क्या हो जाएगी वाई एक्सिस हो जाएगी ठीक है। चलिए तो बेटा एक आपने लॉ पढ़ा होगा कि ये क्या है बेटा, ये जो डीएस है ये एक्चुअल में क्या है सर्कल के टेंजेंट बन रहा है, और रेडियस से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है लाइन वो हमेशा क्या होती है 90 डिग्री बनाती है ठीक, क्या बनाती है 90 डिग्री बनाती है। अब लेट सपोज करिए ये जो डीएस एलिमेंट है और इसके बीच का एंगल हमें कंसिडर करना है ठीक है। अब इसका एंगल क्या कंसिडर करें, इसका एंगल हम कंसिडर कर लें, चलिए इसको अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अल्फा, मीन्स फोर्स और डीएस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को अगर मैं अल्फा मान लूं बेटा, बेटा ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो रेडियस है ये भी तो टेंजेंट के क्या होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, जिसे हम क्या बोल देंगे बीटा बोल देंगे ठीक है। ठीक है सर, अब पहले हम लिख लेते हैं कि जो वर्क डन होता है स्मॉल वो क्या होता है एफ डॉट डीएस क्लियर। अब बेटा बात कर लेते हैं इसकी कि अगर मैं छोटा सा ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होगा डीएस डीएक्स, और यहां से यहां तक गया तो ये कितना हुआ डी वाई, क्या हुआ डी वाई। मीन्स अगर मैं डीएस वेक्टर को लिखना चाहूं तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, डीएस आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ठीक है सर। मान लिया बेटा अगर आप ये एक्सिस देखो, ये वाली एक्सिस बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा फिगर बना देता हूं ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। एक्स वाई ठीक है, ये जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूं ले तो बहुत बड़ी रहा हूं मगर आपको दिखाने के लिए ठीक है, कि आपको दिखे, अदरवाइज बहुत छोटी होती है, कारण बता चुका हूं ठीक है। ये हमारा क्या है आर वेक्टर, ये हमारा क्या है आर वेक्टर, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वो क्या है डी थीटा ठीक, और ये जो एंगल है इनिशियल वो क्या है आर, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एक्स वाई ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी डिस्टेंस थी एक्स
और ये मेरी डिस्टेंस थी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या है, वाई। ठीक है, अब जो फोर्स लगा वो कुछ इस तरीके से लगा। बेटा फोर्स इस तरीके भी लगा सकता था, बट इस तरीके से लगाऊंगा तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी। मैं सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना मैथमेटिक्स सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इधर लेने से क्या कि फोर्स, मुझे जो फोर्स लगेगी वो इस पे क्या लगेगी, एफएक्स, और इस पे जो ब्रेक होगा कंपोनेंट वो क्या होगा, एफ वाई। ठीक है, अगर मैं इसको टेढ़ा करता तो एफ वाई इधर आता और एफएक्स इधर आता, और एफ वाई क्या होता, इधर आता। ठीक है, तो दिक्कत कोई नहीं थी, बट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बनाना। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। बेटा ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डीएस वेक्टर। ठीक, अब मैंने बोला था कि ये डीएस वेक्टर इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा। ठीक, अगर मैं इस एक्सिस को आगे लेके जाऊं इस आर वेक्टर को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा 90 डिग्री माइनस अल्फा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेटा। ठीक, अब बेटा एक चीज कर सकते हैं, यहां सीधे जाने से अच्छा डीएस हम क्या कर सकते हैं, पहले ये माइनस डीएस डिस्प्लेसमेंट यहां लेते हैं और फिर डीवाई डिस्प्लेसमेंट यहां ले लेते हैं। तो ये छोटा सा डीवाई और ये छोटा सा डीएस डिस्प्लेसमेंट ले लिया। ठीक, अब बेटा एक बात बताइए, यहां से वर्क डन यहां तक जाने में तो वही सेम वर्क लगेगा जितना यहां से सीधे यहां जाने में लगा। ठीक, तो अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं क्योंकि हमने रिजॉल्व कर लिया, तो बेटा एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे मूव कराना है तो उसके लिए फोर्स किधर लग रही है, अगर मुझे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स डायरेक्शन में कराना है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो फोर्स इसके क्या लग रही है, हमेशा परपेंडिकुलर लग रही है। क्या लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ एफ डीएक्स माइनस प्लस, बेटा जो ऊपर की साइड मुझे वर्क करना होगा उसके लिए सेम डायरेक्शन लग रही है, तो सेम डायरेक्शन लग रही है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डी वाई लिख दू। अगर मैं ऐसे लिख दू तो किसी को कोई दिक्कत, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको एफ एक्स लिख देना, इसको एफ वाई लिख देना। ठीक है, क्योंकि एक्स कह लो बेटा फोर्स इधर लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रही है, मीन 180 डिग्री बना रहा है। अब 180 डिग्री बनाएगा तो cos 180 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, से इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अगर मुझे यहां अब इधर मूव करना है क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो एफ बाई क्या लगेगा, ऊपर की साइड डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ एक्स के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो cos जीरो क्या होता है, वन, और cos 180 क्या होता है, माइनस वन, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या, तो यही आ गया। क्लियर, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये लाइन की, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मीन्स दो पैरेलल लाइन है और ये ऐसे गई, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा बन गया। ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल ये हो गया 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा। ठीक, तो इसको मैं बोल दे रहा हूं पी क्यू और आर, इसको मैं अलग बना दे रहा हूं, पी सॉरी इसको Q P R। ठीक है, ये R है, ये P है, ये Q है, R P Q। ठीक, तो ये था मेरा DS। ठीक, ये एंगल है मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल है मेरा 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा DX है और ये मेरा क्या है, DY है। ठीक है, अब इस DX और DY को मुझे चेंज करना है। ठीक है, करते हैं, चलिए पहले साइन थीटा देखते हैं। यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है। ठीक, परपेंडिकुलर अपन
तो यहां से मुझे dx क्या मिल जाएगा, साइन थीटा dx। सिमिलर फैशन में अगर मैं cos की बात करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, dy बाई dx ds। तो यहां से मुझे dy क्या मिलेगा, ds ds cos थीटा। ठीक, अब यहां से cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, ये ट्रायंगल पर, ये आपको बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं sin थीटा की बात करूं तो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये sin थीटा जो मेरा आया, इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं कि जो मेरा dx होगा वो क्या होगा, sin थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, परपेंडिकुलर है मेरा sin थीटा, यहां से आएगा मेरा y अपॉन r। ठीक, और cos क्या आ जाएगा, x अपॉन r। ठीक, अब एक और चीज यहां देखिए, ये बेटा एंगल है ds, क्या है ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ds, और ये एंगल क्या है d थीटा। तो r के इक्वल क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, r का अपॉन रेडियस। तो छोटा सा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए d थीटा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, r का मेरा ds और रेडियस है r, तो ds को मैं क्या लिख सकता हूं, r d थीटा। ठीक है, तो अगर बेटा मैं यहां पे साइन पुट कर दूं तो मेरी dx की वैल्यू अब देखिए क्या होगी, जो dx होगा वो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y बाई r, साथ में क्या है ds, और ds की वैल्यू क्या है, r d थीटा, r d थीटा, r से r कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, y d थीटा। ठीक, सिंगल फैशन में अगर मैं dy की बात करूं तो ds cos की जगह क्या लिख सकते हैं, x बाई r, अब ds की वैल्यू क्या है, r d थीटा। तो अगर मैं r d थीटा x r करता हूं तो r से r मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां क्या मुझे मिला, x d थीटा। ठीक, तो ये दो चीजें आपको नोटिस करनी है कि ds और dy क्या है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ी मैथमेटिकल रिग्रेस है, चीजें मैथमेटिकली थोड़ी क्या है, रिग्रेस है। अब आप यहां पे क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, एक मिनट बेटा चौक ले लूंगा। तो अब क्या करिए, माइनस एफ एक्स डी एक्स के लिए क्या है, वाई डी थीटा एफ वाई, डी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स डी थीटा, डी थीटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक, तो अब इसका काम हो गया हमारा खत्म। ठीक है, आपने ये देख लिया कि हमने अभी तक टू डायमेंशन की बात की है, किसकी बात की है, टू डायमेंशन की बात की है। तो ये क्या टॉर्क दिख रहा है, कैसे दिख रहा था, हम तो भी मानेंगे। तो मान लीजिए कि अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो क्या है, सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे, और जेड कंपोनेंट तो है नहीं क्योंकि एक्स और वाई में बनाया था, क्योंकि जो जेड कंपोनेंट है उस पर क्या मैं हमेशा शो होगा, टॉर्क शो होगा। ठीक है, पर जो रोटेशन और जो पार्टिकल जो मूव कर रहा होगा वो तो एक ही एक प्लेन में मूव कर रहा होगा ना, इसलिए टू डायमेंशन की बात की, तीसरे डायमेंशन में तो टॉर्क का इफेक्ट आएगा। ठीक है, जिसको मैंने क्या लिख दिया, जीरो के। ठीक, फोर्स थी कोई जो कि क्या थी, एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ जेड हो सकती है। तो हमें मालूम है कि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो यहां से आप देखिए आई जे के, ठीक, इसमें क्या है, एक्स वाई जीरो
एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक। अब फोर्स भी तो टू डायमेंशन लिया हमने, फोर्स भी तो उसी प्लेन पे लग रही है ना, तो जेड कंपोनेंट भी तो जीरो होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, आई बताया था इन दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा, ये जीरो तो क्या हो जाएगा इंटू जीरो माइनस जे, जे के लिए क्या करेंगे ये हटाएंगे इसे हटाएंगे तो क्या होगा ये जीरो और ये जीरो, ये भी जीरो प्लस के, के लिए क्या करेंगे इसको और इसको करेंगे तो क्या होगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो टॉर्क लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, मीन्स आर जो टॉर्क में आर और फोर्स है वो एक्स वाई में है, बट जो टॉर्क लग रहा है वो किधर लग रहा है, के डायरेक्शन में, मीन्स ये दोनों सेम प्लेन में रहेंगे बट ये हमेशा क्या रहेगा उसके उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ये आर और एफ क्या करेंगे लाई करेंगे। तो ये देखिए इसकी मैग्नीट्यूड देखिए और इसकी मैग्नीट्यूड देखिए क्या सेम है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं टाओ डी थीटा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं पहले ही आपको बता चुका था क्योंकि हम इसी को सॉल्व करते हुए आए थे, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं जो डी डब्ल्यू एस को क्या लिख सकते हैं टाओ डॉट डी थीटा, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्क डन बाय द टॉर्क, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम और इन सब के बारे में, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके इक्वेशन ऑफ रोटेशन के मोशन क्या होते हैं, ठीक है, इक्वेशन। ओके बेटा।